यस स्टूडेंट, देखिए आज अपन एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था सारे फार्मूले मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड के निकलवाए थे, और अब उसके एक दो क्वेश्चन अपन लेते हैं। तो सरफेस एरिया अपन निकाल रहे हैं और एक क्यूबॉइडिकल वुडन लोग यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है जो क्यूब शेप के अंदर है। तो इसके अंदर सारी साइड इसकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब इसका अपन फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था पिछले वीडियो के अंदर, सरफेस एरिया ऑफ वुडन लोग 6a² ठीक है। अब 6 में ये क्यों हुआ? क्योंकि 6 क्यूब की फेस हुई और फेस इक्वल है इसकी, a का स्क्वायर हो गया और 6 मल्टीप्लाई इसके अंदर 8 सेंटीमीटर की क्या आई है इसकी साइड है, तो इसलिए 8 का स्क्वायर कर दिया। 6 मल्टीप्लाई 8 जा 64 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स का क्या निकला? वुडन लोग का सरफेस एरिया निकला। इसी के अलावा यदि अपन एक ब्रिक्स का, ये ब्रिक है यानी ईंट है और ये एक क्यूबॉइडिकल वुडन क्यूबॉइडिकल शेप के अंदर होती है, क्या कहते होती है क्यूबॉइडिकल यानी घटाव आकृति की होती है और इसकी ये लेंथ ब्रिथ और ये हाइट दी हुई है। तो लेंथ कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर की दी हुई है और ब्रिथ इसकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर की और हाइट इसकी है 3 सेंटीमीटर की। यदि अपन इसको निकालेंगे तो इसका सरफेस एरिया ऑफ ब्रिथ का निकलेगा LB प्लस HBH प्लस LH फिर HL यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ और ब्रिथ मल्टीप्लाई हाइट और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, इन सबको प्लस कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर। तो क्या हुई इसकी लेंथ हुई, ब्रिथ कितनी हुई इसकी ये देखिए 5 हुई और ये 3 हुई हाइट, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 45 आए, 5 3 15 इसके आए, 9 3 27 इसके आए और इन सबको मल्टीप्लाई किया पर प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 14 और 1 और 2 8 16 और 170 174 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आया, क्या आया इसका ये। हाँ तो अपन लेते हैं डिटरमाइन साइड ऑफ ए क्यूब हूज टोटल सरफेस एरिया इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि मान लीजिए एक ये क्यूब है, ये क्यूब है इसका एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका एरिया दिया हुआ है और इसका एरिया मैंने दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है इसकी साइड क्या होगी।